नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। दिस इज वॉट ऑर्डर 1 रूल 10, रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1। अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड दोज हु आर गोइंग टू अपेयर इन डीजेएस और हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज और लाइक दिस पंजाब और इन एचजेएस। दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू हार्ट टू दी ऑफ द एग्जामिनर, तो सो यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दिस। ठीक है, तो दिस इज टॉपिक इज वॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स। उसी तरीके से आप लोगों ने करना है। एंड सी, दिस टॉपिक इज बेस्ड ओनली ऑन वन रूल। लाइक इन रूल 8 वी डिड रिप्रेजेंटेटिव सूट, रूल 10 इज डीलिंग विद द स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द पार्टीज। प्लीज सी दीज आर 3 वर्ड्स एंड यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का। स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग पार्टीज, दीज आर द 3 वर्ड्स। स्ट्राइकिंग आउट मीन्स नाम काट देना, एडिंग मीन्स नेम ऐड करना, और सब्स्टिट्यूट मीन्स रिप्लेस करना। तो द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स विल कम रूल 10। रूल 10 डील्स विद फर्स्ट नंबर 1 स्ट्राइकिंग आउट, नंबर 2 एडिंग, नंबर 3 सब्स्टिट्यूटिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कीप इन माइंड ऑल दीज 3 वर्ड्स दैट रूल 10 इज डीलिंग विद। ठीक है, स्ट्राइकिंग आउट पार्टीज मीन्स किसी पार्टी का नाम कट करना, एडिंग पार्टीज और सब्स्टिट्यूटिंग पार्टीज। कर लेंगे आप लोग, पहली बात नोट कर ली। प्लीज राइट पी फॉर प्रीलिम्स इन योर नोटबुक्स वेयर एवर। एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स लाइक दिस। स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग पार्टीज इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 1 रूल 10। दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन फॉर यू, आएगा ही ऐसे आपके लिए। नाउ गो टू द बेरेट लैंग्वेज, व्हाट इज दिस एंड बी केयरफुल। एंड व्हेन आई से दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, तो आई एक्सपेक्ट कि यू विल ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन एज वेल। समवेयर व्हेन आई से इट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर प्रीलिम्स, देन यू नीड नॉट टू गो फॉर द लैंग्वेज ऑफ दैट। बट इन केसेस व्हेन ए टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, यू शुड ट्राई टू लर्न दैट लैंग्वेज एज वेल। उससे आपकी जो इंग्लिश में जो कमियां हैं, जो लैंग्वेज थोड़ी बहुत पकड़ आपकी कम है, उसको थोड़ा ढकने में आसानी हो जाएगी आपको। अगर सभी की लैंग्वेज याद करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट में, देन इट विल बी डिफिकल्ट। लेकिन कुछ ही प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ से आपके मेन से क्वेश्चन बनते हैं, तो ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट कैच लाइन कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, वेयर ए सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रोंग पर्सन एज प्लेंटिफ, दिस इज फर्स्ट। सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ रोंग पर्सन एज प्लेंटिफ एंड माइंड इट क्लॉज 1 रूल 10
क्लॉज वन इज डीलिंग विद द ओनली विद प्लेंटिफ, वी आर नॉट डिस्कसिंग हेयर ऑफ फॉर डिफेंडेंट, इट इज ओनली विद प्लेंटिफ. सो सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ, और वेयर इट इज डाउटफुल वेदर इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिफ. तो दीज आर द टू कंडीशंस यू सी लाइक दिस है. तो दीज आर द टू रिक्वायर्ड कंडीशंस. फर्स्ट इज वॉट, ए पर्सन हैज बीन एडेड एज रॉन्ग प्लेंटिफ, इट मीन्स ही शुड नॉट हैव बीन प्लेंटिफ, प्लेंटिव नहीं होना चाहिए था, बट नाउ ही हैज बीन एडेड एज प्लेंटिव. नंबर बात समझ में आ गई आपको. सेकेंड कंडीशन क्या है, इट इज डाउटफुल, इट इज नॉट क्लियर टू यू वेदर इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिव, इट मीन्स ही इज द राइट प्लेंटिव और नॉट, इट इज नॉट क्लियर टू यू, इट इज डाउटफुल. सो सी अल्टीमेट एम, मैंने कई बार आपको समझाया है इन सिविल केसेस व्हाट इज द अल्टीमेट एम. Ultimate aim is to do justice in that matter, to decide that matter in dispute, that matter directly and substantially in issue in a on merits, and all technical defects should be avoided, all technical defects should be taken care of. You cannot give priority to the technical defects on this ultimate aim of मीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस. जो न्याय न्याय करना है आपको उस मामले में, जो झगड़े की जड़ है, मैटर इन डिस्प्यूट है, उस मामले में आपको न्याय करना है आपको, है ना, वो एक अंतिम आपका लक्ष्य है, दैट इज द एंड रिजल्ट. यू कैन नॉट गो फॉर दिस वॉट की विद टेक्निकल डिफेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्लास में अल्टीमेट एम क्या है हमारा, अल्टीमेट ऑफ द क्लासेस एट विधि इज वॉट, कि जुडिशल ऑफिसर्स बनाना है हमने आप लोगों को ट्रेन इस तरीके से करना है सो दैट यू कैन क्वालिफाई योर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, दीज थ्री स्टेजेस. नाउ दिस इज द अल्टीमेट एम. टेक्निकली व्हाट कैन बी डन, कि टेक्निकली वी आर जस्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, वो है टेक्निकल एस्पेक्ट. कोई नहीं आया उसको पनिशमेंट करके बाहर निकाल दिया, मतलब जो आउटर फॉर्म है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, अगर कि कोई लेट आया यू गो आउट, है ना, आप नहीं आए आपके पैसे कट गए आपको दोबारा करना पड़ेगा, उनमें फोकस करना. और एक फोकस हो गया कि अल्टी उस पर नज़र बनाए रखना कि किसी भी वजह से जो अंतिम वो हमारा लक्ष्य है जुडिशल ऑफिसर बनाना, वो ना भटके. वो आप रिलेट कर पा रहे हो, किसी भी कोर्ट का, सिविल कोर्ट्स, द कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर द वन पर्पज, एंड दैट इज़ वॉट, डूइंग जस्टिस, एंड दैट इज़ वाई दे आर गिवन इनहेरेंट पावर्स, है कि नहीं है, सेक्शन 151 CPC. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, इफ देर इज एनी टेक्निकल डिफेक्ट इन एडिशन ऑफ ए पर्सन एज प्लेंटिफ, व्हाट दैट यू फील आफ्टर यू सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड एंड लेटर ऑन इट इज डिस्कवर्ड दैट द पर्सन इज द रॉन्ग प्लेंटिफ, ही शुड नॉट हैव बीन प्लेंटिफ इन दिस केस, और यू आर इन डाउट वेदर दिस पर्सन शुड बी राइट प्लेंटिफ और नॉट. तो इफ यू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग इन दैट सूट विद द डाउट एंड अल्टीमेटली एट द एंड यू कम टू इन कंक्लूजन नो ही शुड नॉट हैव बीन ए प्लेंटिफ इन दिस केस, देन अगेन यू विल हैव टू स्टार्ट डी न्यू, यू विल हैव टू रिस्टार्ट द सूट फ्रॉम द स्क्रैच वन. तो टू अवॉइड सच कंडीशंस आट दिस रूल 10 परमिट्स यू फॉर द व्हाट दिस एडिशन ऑफ ए पर्सन एज प्लेंटिफ. कोर्ट कैन एड एनी पर्सन एज ए प्लेंटिफ. यू सी द लैंग्वेज, वॉट इज दिस, वेर ए सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ, और वेर इट इज डाउटफुल वेदर इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ राइट प्लेंटिफ, देन द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, दिस इज प्लीज हाईलाइट दिस, द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ सूट इफ सेटिस्फाइड दैट सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू ए बोनाफाइड मिस्टेक and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute. So to do this is court kya kar sakti hai, court order that any other person be substituted or added. Please highlight these two words, be substituted or added. See, if the condition is first that he is the wrong plaintiff, then what you will do, you will substitute that person, you will strike out his name एंड एड समवन, है कि नहीं है. तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, ए को रिप्लेस कर रहे हैं बी से,
इन केस व्हेन ही इज अ रोंग प्लेंटिफ और व्हेन इज अ डाउट वेदर ही शुड बी रिमेन, तो ऑन अ प्रिकॉशन नोट यू आर एडिंग समवन, तो एडेड एज प्लेंटिफ अपॉन सच टर्म्स एंड अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स जस्ट. नाउ यू सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स हियर. पावर ऑफ द कोर्ट इज टू व्हाट, टू सब्स्टिट्यूट द प्लेंटिफ or to add the plaintiff. This is very much clear to you. Now, when it will be, when it is seen that wrong plaintiff has been added or it is a doubtful case, then what should be the satisfaction of the court? Court ka satisfaction kya hona chahiye isme? When the court will order the substitution or addition of plaintiff. Two grounds. Isko aise dhyan rakhiyega. Maine puri koshish ki hai ki aapke liye jitna aasan kar sakta hu karun isko main. Haan, dekh raha. If the court is satisfied that for what? Mistake is a bona fide mistake. Number one, such mistake must be bona fide. And secondly, substitution or addition as plaintiff is necessary for the determination of the real matter in dispute. This substitution or addition is necessary. So both conditions should be satisfied in order that the court should exercise its power under Rule 10. Otherwise it don't. कौन कौन सी पावर्स है, कौन कौन सी सेटिस्फेक्शन है. नंबर वन, इट शुड बी ए बोनाफाइड मिस्टेक एंड सच सब्स्टिट्यूशन और एडिशन मस्ट बी नेसेसरी. कर लेंगे आप, इतना कर लीजिए आपका काम हो जाएगा. एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, डोंट फॉरगेट दिस फ्रेज, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर वेदर इट इज द केस ऑफ वेदर दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट एट द स्टेज ऑफ अपील और नॉट. तो यू विल फाइंड कि व्हाट इज द फन, प्लेंटिफ रॉन्ग है या राइटफुल था या नहीं था, ये तो मैं शुरू में देख लेना चाहिए था. नाउ द डिग्री हैज बीन पास, नाउ द इट इज द अपीलेट स्टेज, हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज टू लेट, इट सीम्स टू बी टू लेट फॉर यू टू एड समवन एज प्लेंटिफ. बट सी इफ यू कंसिडर द अल्टीमेट एम, अगर अल्टीमेट आपका एम क्या है, जस्टिस इम्पार्ट करना, तो द वर्क इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज वॉन्ट टू इम्पार्ट जस्टिस. वो लगता कि नहीं, फॉर दिस पर्पज अल्टीमेटली वी विल हैव टू डू दिस, तो कोर्ट के हाथ बंधे हुए नहीं है, है ना, हैंड्स ऑफ कोर्ट आर नॉट टाइड, कोर्ट हैज एन ऑप्शन. इट इज नॉट कि कोर्ट विल इजिली डू दैट, कोर्ट विल नॉट अलाउ इजिली डू दैट, कोर्ट विल नॉट एक्सरसाइज सच पावर वेरी इजिली, कोर्ट विल हैव टू सी सो मेनी थिंग्स. बट इट बिकॉज ऑफ सच प्रोविजन्स दिस इज मेड पॉसिबल फॉर द कोर्ट. एंड नाउ यू सी द क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहां से. सी दिस इज व्हाट, यू सी दिस एग्जांपल, सी द एजेंट ऑफ ए, हु इज सी, सी इज द एजेंट ऑफ ए अंडर बोनाफाइड मिस्टेक. व्हाट इज दिस लैंग्वेज, बोनाफाइड मिस्टेक, files a suit against B in his own name, and you see this like this. I think this will make it very easy for you. C files a suit against B, okay, and who is C? C is the agent of A, but he files a suit against in his own name, and filing suit in his own name is the mistake. He should have filed the suit in the name of his principal. A versus B होना चाहिए था. He substituted himself, and but this mistake is bona fide mistake in this case. Are you getting this point or not? What is this? And the see, in your exams, prelims exam, you will get the same kind of problems. इससे बहुत बाहर नहीं आएंगी. Examiner के पास इतना time ही नहीं है कि वो innovate करके लेकर आए बहुत सारी problems. They will see from Bare Act, they will see from the important textbooks, और वहीं से आपको copy paste करके दे देंगे आपके वो. क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ने वाले ही बहुत कम है, ये इतना ही कर लें यही बहुत बड़ी बात है, उनको जरूरत है ना, है कि नहीं है. अल्टीमेटली देखिए ऐसा समझिए, अल्टीमेटली अब ऐसा समझिए फॉर फनी साइड, कि एक पिता को अपनी पुत्री का विवाह करना है ना. शुरू में क्या होगा, बेस्ट, फिर समय गुजरेगा तो थोड़ा चॉइसेस कम हो जाएंगी, फिर कम हो जाएंगी और अल्टीमेटली कहीं जा कर के, क्योंकि करनी तो करनी है ही है, उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं हमारे पास, है ना, वर तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या होगा, एक बार फटाफट भी करो, यहाँ पर कंपल्शन है कि नहीं है, ऐसे मान के चलिए. तो गवर्नमेंट के पास भी, स्टेट के पास भी कंपल्शन है,
उनको जुडिशियल ऑफिसर्स की पोस्ट तो भरनी ही भरनी है तो वो कोई इम्पॉसिबल एग्जाम नहीं देंगे आपको जिससे आप सब बाहर निकल जाओ, है कि नहीं है। अल्टीमेटली इट इज देयर कंपल्शन ऑल्सो कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से जो अच्छे लोग हैं वो आ जाएं बस। वो तो दे नेवर फ्रेम द क्वेश्चंस इन सो मच डिफिकल्टी कि आपसे हो ही ना, वो एक मिनिमम लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हमेशा और जो कुछ समझाए जा रहे हैं आपको इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आना। आई कैन गिव यू गारंटी एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड नाउ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी हो जाएगा एक ही जगह एक्स हो जाएगा वाई हो जाएगा, नेम डिफरेंट हो जाएंगे, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन समवट यही आने हैं आपको घूम फिर करके। और सिर्फ आपने ये काम करना है बस, घर जा करके भूल करके रिविजन मत करना, नोट्स पर दोबारा लिखना मत कुछ, हाईलाइट मत करना। आनंद कन्फ्यूज हो गया होगा, मतलब रिवर्स करना है, याद करना रिविजन करना जम करके इसके बस। 10 times रिविजन विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू, कर लेंगे आप। तो सी इन दिस केस व्हाट इज द मिस्टेक, मिस्टेक इज बोनाफाइड इन दिस केस। सो द कोर्ट सब्स्टिट्यूटेड द नेम ऑफ द प्रिंसिपल ए फॉर दैट ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिफ सी, इट इज व्हाट, दिस ऑर्डर इज लीगल इलीगल, आंसर इज लीगल। तो दिस इज ए सैंपल क्वेश्चन फॉर यू, अगेन यू सी दिस क्वेश्चन, ए सूज बी फॉर पोजेशन ऑफ ए हाउस, बी कंटेंट दैट सी दैट सिंस ए हैज ट्रांसफर द हाउस टू सी ही हैज नो टाइटल टू सू एंड द सूट इज देयरफॉर नॉन मेंटेनेबल, यू सी लाइक दिस। इसको ऐसे देखिए आप समझने के लिए, ए ए सूज बी फॉर पोजेशन ऑफ ए हाउस बी, ठीक है, दिस इज अ सूट बिटवीन ए एंड बी। नाउ व्हाट इज द कंटेंशन ऑफ बी, बी सेज ए हैज ट्रांसफर्ड द हाउस टू सी, कि ए ने अपना हाउस ट्रांसफर कर दिया है सी को, देयरफॉर ए हैज नो टाइटल टू सू एंड दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल फॉर दिस रीजन। आर यू गेटिंग इट, इन दिस केस द कंटेंशन ऑफ बी इज व्हाट, कि मिस्टर ए यू डोंट हैव एनी राइट टू सू मी बिकॉज ऑलरेडी यू हैव ट्रांसफर्ड दिस, यू हैव सोल्ड दिस हाउस टू समवन सी, ओनली सी कैन सू मी। सो दिस इज ए हैज नॉट, दिस इज द कंटेंशन ऑफ बी। नाउ ए सेज नो ट्रांसफर वॉज मेड, नो आई डिड नॉट मेक एनी ट्रांसफर, बट हिज कंटेंशन फाउंड फॉल्स, ए कंटेंशन ऑफ ए इज फाउंड फॉल्स एंड यू विल सी दिस मिस्टेक इज नॉट बोनाफाइड इन दिस केस। If you are being told कि because you have transferred this, क्यों transfer करना, तो आप ये नहीं कह सकते वो गलती से भूल गया था मैं। एक एजेंट का खुद को आगे प्रोड्यूस करना इट में भी है कि भी ठीक है उसने एक ये देखा होगा कि ईजियर हो जाएगा काम करने के लिए, वो चीज़ बोनाफाइड मिस्टेक हो गई। यहाँ पर एक हाउस को आप ट्रांसफर कर चुके हैं और उसी के पोजेशन के लिए आप किसी को सू कर रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इट इज नॉट सो but you are sticking to your ground, then subsequently you cannot say ki it was a bona fide mistake on my part. So I am trying to strike the point, this court must be satisfied that mistake must be bona fide mistake for in exercising this power. Agar court ko lagta hai ki the mistake is not bona fide, then court may refuse to exercise such kind of power of addition or सब्सिट्यूशन ऑफ प्लेंटिव। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आई हो तो आपको, है ना। यू सी इन दिस केस देयर अपॉन ए अप्लाइज फॉर एडिंग सी एच क्रो प्लेंटिव, द कोर्ट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन सिंस मिस्टेक वॉज नॉट बोनाफाइड, द ऑर्डर इज लीगल इन दिस केस बिकॉज दिस एप्लीकेशन ऑफ एडिशन एज ए सी एज ए को प्लेंटिव was because the mistake was not bona fide. So what will be the suit? That this suit will be dismissed because you are not entitled for this. And if the C wants to bring the suit, C can bring his own case, own suit in this case. Samajh mein aata hai aapko? Now see next. The court rejected an application for adding a person as a co-plaintiff in the appellate stage. What? The court rejected an application. For what application? For adding a person as co-plaintiff. What was the stage? Appellate stage. Holding that it cannot be done at this appellate stage. What is the basis of this order? No, it is not possible at the appellate stage. The order is legal, illegal. This is illegal. Why? Because it is in the language of this order that what? This is
एट एनी स्टेज. तो दिस इज सो देखो दीज फ्रिजिज आर वेरी इंपॉर्टेंट बोनाफाइड मिस्टेक एट एनी स्टेज ऑफ द सूट. समझ पा रहे हो आपको? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको लैंग्वेज पे पकड़ बनाई है अपनी, वहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा. ठीक है, लेट्स सी समथिंग. दिस इज ए जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म फाइल्स ए सूट अंडर ए बोनाफाइड मिस्टेक. यू सी द यू विल सी द वर्डिंग विद इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ. जो प्रॉब्लम आएगी उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको काम की बातें. उनको राउंड कीजिएगा तुरंत. अगर प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो जैसे इस आपको लगे कि नो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रूल 10, तो आपके दिमाग में होना चाहिए फटाफट बोनाफाइड मिस्टेक नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन. तो बोनाफाइड मिस्टेक है या नहीं, अराउंड इट अंडर ए बोनाफाइड मिस्टेक है ना, इन द नेम ऑफ द फर्म. ऑल द ऑर्डर 30 रिलेटिंग टू दिस फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय फर्म्स डू नॉट अप्लाई टू सच ए फर्म. व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट एंटिटी इज व्हाट जॉइंट हिंदू फैमिली है ना. दे आर फाइलिंग द सूट एज फर्म विच इज गवर्न बाय ऑर्डर 30. तो आइडियली दे नीड नॉट टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर 30. तो दिस इज ए बोनाफाइड मिस्टेक इन दिस केस. एंड इन दिस केस ऑन एप्लीकेशन द कोर्ट अलाउड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली एज प्लेंटिव्स. अर्लियर यू आर गोइंग एज ए फर्म नेम जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म के नेम पर. नाउ उसको सब्स्टिट्यूट करके कौन आ गया? ए बी सी मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली दे आर सुइंग. तो दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज बिकॉज द मिस्टेक हेयर इज ए बोनाफाइड मिस्टेक. तो इट वॉज अलाउड एंड देयर फॉर ऑर्डर वॉज लीगल इन दिस केस. कर लेंगे अगेन. सी दिस ए क्लेमिंग ए टाइटल अंडर ए गिफ्ट डीड. ओके, ही इज क्लेमिंग टाइटल अंडर ए गिफ्ट डीड बिकॉज ए गिफ्ट डीड हैज बीन मेड इन माई फेवर, देयर फॉर टाइटल बिलोंग्स टू मी एंड देयर फॉर ही फाइल्स ए सूट फॉर पजेशन ऑफ द हाउस अगेंस्ट बी. दिस इज ए फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट बी फॉर वॉट? फॉर पजेशन. सेइंग वॉट? क्या कि दैट आई एम एंटाइटल्ड अंडर ए गिफ्ट डीड. ए गिफ्ट डीड हैज बीन मेड इन माई फेवर फॉर दिस हाउस. For this house, a gift deed has been executed in my favor. Therefore, this the title of this belongs to me. Therefore, you hand over the possession of this house to me. This is the suit of A. A is saying what? Now, I am the real owner of this. Because of the gift deed, I have become a real owner of this. Therefore, the possession of this house should belong to me. Hand over the possession to me. Because you are not handing over this. I am bringing a सूट अगेंस्ट यू. रेज हैंड अगर पैसेज में आ गई हो तो समझे. नाउ व्हाट वाज दिस? ही वाज अंडर ए बोनाफाइड मिस्टेक. दैट हाउस वाज गिफ्टेड टू हिम बाय द सर. एक्चुअली में गिफ्ट डीड में उसके लिए नहीं था कुछ भी. तो इन दिस केस कैन द रियल ओनर बी सब्स्टिट्यूटेड एज प्लेंटिफ इन प्लेस ऑफ ए है ना व्हेन इट वाज फाउंड दैट डीड डिड नॉट पर्टेन टू दैट हाउस. आंसर इज यस. Here it was because it was a bona fide mistake. You took something which was not existing. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Substitution हो गया. एक ही जगह real owner को substitute किया जा सकता है यहाँ पर. तो you will see, I have explained you through this 3 or 4 examples कि what are the main points to be remembered in case of order 1 rule 10. बोर हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, तो बस एक बात सोचो, जिस दिन जज बन गए उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा के चेहरे पर जो रौनक होगी वो कैसे होगी? बस वो कितने जगह जाकर कहेंगे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू, मेरा दामाद जज बन गया है. बस उनका सोचो और अब मुझे बताओ. पढ़ने बैठ जाओ चुपचाप जा करके. चलो नेक्स्ट वीडियो.